भारत माता की। आज हमारे बीच में वह विभूति आई है जिन्होंने पूरे जीवन के अंदर देश और प्रदेश की सेवा करते हुए कठिन परिश्रम से, सेवा से, त्याग से और समर्पण से इस राज्य और प्रदेश को वैभव पर पहुंचाने का काम किया है, उन सब महान कर्मयोगियों को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे बीच में जिन्होंने किसान के रूप में काम किया, उसके बाद देश के सबसे प्रतिष्ठित वकील के रूप में आम गरीब व्यक्ति की सेवा करने का काम किया, एक जमीन से लेकर आज भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में हम सबका गौरव बढ़ा रहे हैं, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति जी इस राजस्थान की मिट्टी से आते हैं, इस राजस्थान की धरा पर उनका जीवन सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ का जी हम सब ताली बजाकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच में कर्नाटक में वरिष्ठ नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और जिनका संसद में एक लंबा अनुभव रहा, संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खान मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी भी पधारे, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में सभी माननीय अतिथिगण और विशेष रूप से आज वो शिक्षक जिन्होंने अपने जीवन को तप तपस्या से, समर्पण और सेवा से इस महान राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा को दूर दराज तक गांव में पहुंचाकर आज भारत को वैभव पर पहुंचाने का काम किया है, उन सभी शिक्षकों को भी आज शिक्षक दिवस पर प्रणाम करता हूं। ऐसे तो आज शिक्षक दिवस है, लेकिन जो विभाग के अलग अलग विभाग के लोग जिन्होंने अपनी सेवाएं अलग अलग विभागों में दी है, राज्य के विभागों में दी है, केंद्र के विभागों में दी है, राज के उपकरण में दी है, निजी विद्यालय के रूप में दी है, उन्होंने पूरा जीवन, अपनी जवानी, अपना समय इस समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सबका सम्मान करते हुए मुझे बहुत आनंदित होता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आपका जीवन समर्पण और सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा है। इसलिए आपके सेवा समर्पित अद्वितीय ज्ञान से, आपके अनुभव से, आपके कठिन परिश्रम से नई पीढ़ी को मार्गदर्शन मिले और वह नई पीढ़ी भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान दे और आपके
उस जीवन को देखें जब आपने किस तरीके से कठिन परिश्रम कर इस भारत को इस 75 वर्ष की यात्रा में वैभव पर पहुंचाया। मुझे याद है यहां पर शिक्षक बैठे हैं जिन्होंने दूर दराज के गांव में जब सड़कें निर्वाह करती थी, बिजली निर्वाह करता था, पानी निर्वाह करता था, स्कूल के भवन निर्वाह करते थे, लेकिन शिक्षा का अलग जगाया, शिक्षा को अंतिम व्यक्ति के जीवन में पहुंचाकर एक समृद्ध, शिक्षित, संस्कारित भारत बनाने का काम किया। दिए की तरह उजाला करते रहे, अपने परिवार का त्याग कर। यहां पर राज्य सरकार के विभाग के कर्मचारी बैठे जिन्होंने सड़कें बनाने का काम किया, जिन्होंने दूर दराज तक किसान के खेत पर पानी पहुंचे, बांध बनाने का काम किया, नहर बनाने का काम किया। यहां चिकित्सा विभाग के कर्मचारी बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी है जिन्होंने दूर दराज के गांव के अंदर जब चिकित्सा का अभाव था, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, उस समय हमारी बहनों ने मातृत्व सुरक्षा करने का काम किया, लोगों को स्वस्थ रखने का काम किया। मैं कितने विभाग बता सकता हूं, चाहे कृषि हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हर विभाग के पानी से लेकर हर विभाग के कर्मचारी यहां पर बैठे हैं जिन्होंने पूरा जीवन उन कठिन परिश्रम के अंदर जब आपदा हो, विपदा हो, संकट हो, उस समय मानवीय सेवा करने का काम किया। और इसीलिए आज जो हम भारत के नवनिर्माण का ये दृश्य देख रहे हैं, आपने एक नींव की तरह इस नए भारत के निर्माण में आपका पसीना बहाकर ये भारत के नवनिर्माण को देख रहे हैं। यहां केंद्र सरकार के कर्मचारी बैठे हैं, जब दूर दराज तक डाक का इंतजार व्यक्ति करता था तो उसको डाक पहुंचाने का काम करते थे, संचार का काम करते थे, रेल नहीं थी तो पटरियां बिछाने का काम करते थे। कितने विभाग है जिन्होंने अलग अलग सेवाएं दी। हमारे यहां पर जवान बैठे हैं जिन्होंने उस समय आधुनिक यंत्र शस्त्र निर्वाह करते थे, लेकिन तपती धूप के अंदर, ठिठुरती ठंड के अंदर देश की रक्षा करने का काम किया। यहां पुलिस के रिटायर्ड लोग बैठे हैं जिन्होंने नागरिक सुरक्षा करने का काम किया। मैं कुछ विभाग बता पाऊंगा, कुछ विभाग बताने पाऊंगा तो अधूरा कहूंगा, लेकिन जो भी राज्य केंद्र सरकार, चाहे हमारे राज्य के उपकरण हो, चाहे निजी सेवा के अंदर काम करने वाले अध्यापक हो, सबका कहीं ना कहीं त्याग, समर्पण इस नए भारत के निर्माण में है। लेकिन आपने जिस कठिन परिश्रम को के माध्यम से भारत के नवनिर्माण किया, आने वाली पीढ़ी को आपका मार्गदर्शन मिले, आपके अनुभव, आपका ज्ञान, जो कुछ भी आपने अपने जीवन में प्राप्त किया है, इस नई पीढ़ी को मिले, ताकि ये नौजवान नई पीढ़ी जिसका सपना विकसित भारत बनाने का है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, इस देश को विकसित बनाने का सपना हर भारतीय को करना है, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो। जब सामूहिक मिलकर काम करेंगे तो हम विकसित भारत बनाएंगे, दुनिया के अंदर हर आपदा और चुनौतियों का समाधान इस भारत की धरती से निकलेगा। और ये हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने कि कुशल नेतृत्व ने किस तरीके से दुनिया के अंदर कोई आपदा चुनौतियों का अगर रास्ता बताने का काम कर रहा है तो भारत की धरती कर रही है। और इसलिए ये भारत की धरती आध्यात्मिक संस्कृति की संस्कारों की धरती है, और इसीलिए हमने ऐसे भारत का निर्माण किया है जहां आध्यात्मिक में ज्ञान है, संस्कार है, जहां विरासत को सहोजते हैं,
आधुनिकता की नींव को तैयार, आधुनिकता की दिशा को तय करो। हमारी जितनी मजबूत हमारी विरासत होगी, उस विरासत से आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी, उतना ही भारत मजबूत राष्ट्र बनेगा। और इसीलिए आपकी सेवाओं को योगदान करने के लिए आज स्वयं उपराष्ट्रपति जी यहां पर आए हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। आपकी तप तपस्या परिश्रम, कठिन परिश्रम को आज भारत के उपराष्ट्रपति जी अभिवादन करने आए हैं, ताकि हम आपके अनुभवों का लाभ प्राप्त कर सके, आपके ज्ञान का अनुभव कर सके। और इसीलिए हमें अगर सुदृढ़ मजबूत भारत बनाना है, हमें सामाजिक रूप से मजबूत भारत बनाना है, हमें आर्थिक रूप से मजबूत भारत बनाना है, हमें विकास की दृष्टि से मजबूत भारत बनाना है, तो आपके अनुभवों और ज्ञान का लाभ हमें लेना ही पड़ेगा। आपके अनुभव ज्ञान का लाभ नई पीढ़ी को प्रेरणा, और जो नई पीढ़ी हमारी आई है, जो आपने बौद्धिक रूप से, जो इनोवेशन से, जो आपने संस्कारित पीढ़ी तैयार की है, आपकी उस शिक्षा के कारण भारत का नौजवान आज विकसित कर रहा है, तो आप सबका योगदान है, आप सबका समर्पण है, आप सबका त्याग है कि जब आजाद भारत हुआ था तो हम 18% साक्षर थे, आज हम संपूर्ण साक्षरता की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपकी तप और तपस्या, सेवा, समर्पण के कारण बढ़ रहे हैं। इसलिए शिक्षक दिवस के रूप में आज मेरे गुरुवर भी बैठे हैं, जिन्होंने मुझे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया, जिन्होंने माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाया, जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाया, ऐसे मेरे जैसे कितने लोगों के व्यक्तित्व का और चरित्र और कर्तित्व का निर्माण करने का काम किया, उन सब गुरुजनों का भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी तो जहां भी जाते हैं अपने गुरुओं को जरूर चरण स्पर्श कर कर उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद हमेशा प्रेरणा देने का काम करता है। गुरु वह होता है जो हमेशा आशीष देता है, वह कभी आंखों में अंतर नहीं समझता, वह तो कहता है हर मेरा विद्यार्थी दुनिया के अंदर भारत का नेतृत्व करे, ये उसकी आशीष होती है। और इसी आशीष को लेने आज यहाँ पर सब लोग आए हैं। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर हम सब आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके स्नेह से, जो कुछ भी आपने हमें दिया है, हम संपूर्ण ऊर्जा से काम करेंगे। भारत का लोकतंत्र सशक्त हो, भारत का लोकतंत्र मजबूत हो, भारत का लोकतंत्र जवाबदेह हो, ऐसा लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र जो दुनिया को मार्गदर्शन कर सके। और आज हम कह सकते हैं भारत का लोकतंत्र मजबूत भी है, सशक्त भी है, और दुनिया को मार्गदर्शन करने का काम भी कर रहा है। कि 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में भारत का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, और दुनिया आज देख रही है कि 140 करोड़ का देश किस तरीके से, 140 करोड़ देश में पारदर्शिता तरीके से चुनाव होते हैं, और पारदर्शिता चुनाव के अंदर अगर कोई भूमिका है तो आप सब राज्य कर्मचारियों के कर्मचारियों की है, जिन्होंने दूर दराज के गांव में हर मतदाता को निष्पक्ष और निर्वाचित चुनाव करने के लिए कड़ी मेहनत की है। इसके कारण भारत के चुनाव प्रबंध के कारण भारत का गौरव सम्मान पूरे विश्व में बन रहा है। एक सशक्त लोकतंत्र मजबूत बनाने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इसीलिए लोकतंत्र के तीन पहिये होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप कार्यपालिका के हिस्से रहे, हर निर्णय, नीतियों, फैसलों को आपने लागू किया है, सरकार की अलग अलग योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति पर पहुंचाकर उसकी जिंदगी को बेहतर करने का काम आप लोगों ने किया है। आपकी कितनी सेवाएं हैं, आपका कितना तप समर्पण है, मैं शब्दों में नहीं कह सकता। मैं तो प्रणाम करके इतना ही कहना चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। आपका आशीर्वाद मेरे लिए नई ऊर्जा होती है,
नई ताकत होती है। जब आपसे मिलता हूं तो मुझे नई कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आप सब यहां पधारे, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत।